धीरे चला रथ को रथवा, चरण आँखों के पानी से। तो अभी दोस्तों निकले हैं मोटो ब्लॉगिंग करने और शांति मार्केट होते हुए चल रहे हैं। तो अभी दिखाएंगे अब क्या क्राउड है और रावण दहन का टाइम हो चुका है, तो ब्लॉगिंग करते चल रहे हैं। अब तो भीड़ और बढ़ चुकी है। जलेबी खाया तो बता दे हो। अभी भीड़ पूरी तरह से खचाखच भर चुकी है भैया, और फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि मेला भी दिखाएंगे और दूसरा रावण दहन भी। कॉल तो आया नहीं बट हम पहुंच जाते हैं। पूरा भीड़ भर गई है अभी भाई साहब। पुलिस प्रशासन है, रोक तो रहे हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि हम परमिशन लेंगे सर से, क्योंकि ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आगे हमने बात कर ली है। सर रावण दहन दिखाना है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ना, ब्लॉगिंग में कवर कर रहे हैं। बाएं मुड़ जाएं फिर इसी रोड पे आ जाएंगे आप। पता नहीं उधर भी मना कर रहे हैं। नहीं यार सुनिए, एकदम सीधा रास्ता है। नहीं पता तो है, हम कह एरिया भाई कवर कर रहे थे, तो देख लीजिए कोई दिक्कत ना, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, ब्लॉगिंग करें। सब लोग जान रहे हैं ना वहाँ पे, प्रदीप सर जितने लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी दूरी है कवर कर लेते हैं, और दूरी को हम दूसरे साइड से कवर कर लेंगे। इधर शासन का कहना मानना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अब नियम में सबको ये, तो हम भी हैं। अभी हम जलालपुर तिवारी वाला रोड चलेंगे क्योंकि दूरी तो ज़्यादा हो जाएगी। अगर उधर मना करेंगे तो हम बोल देंगे, और कोशिश होगी कि भाई चलेंगे तो भाई चलना तो ही है। खतरे वाला अड्डा है भैया, खतरे वाला अड्डा, यहाँ संभल के आना जाना है। ओ यहाँ पे भाई साहब पूरी भीड़ है इस समय, क्योंकि दोनों साइड से रास्ता रोका गया है, और अभी जलालपुर तिवारी वाला रोड है। और इस साइड से एंट्री मारेंगे, देखेंगे जैसे भी होगा। करीब 1 किलोमीटर दूर आना पड़ा भाई साहब हमें। और इस दूरी को तय करके हम रामलीला ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। रामलीला ग्राउंड में हमारे कितने लोग हैं, लेकिन भाई साहब भाई नियम तो सब के लिए है। तेरी हर बात अच्छी है,
तो अभी रामलीला ग्राउंड पहुंचने वाले भाई साहब, क्या बोलते हैं? अभी पहुंच गए हैं रामलीला ग्राउंड। रामलीला ग्राउंड से पहले बढ़ाओ भैया, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ छोटू, आगे बढ़ाओ। अभी रामलीला ग्राउंड की तरफ चल रहे हैं और रामलीला में हो रहे भाई देख के मैं ब्लॉगिंग करते दिखाएंगे इस तरफ से। छोटू साइड हो जा भैया, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो अभी पहुंच गए हैं रामलीला ग्राउंड और यहाँ पे भाई साहब भीड़ खचा खच है और रावण दहन वाले स्थान पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया ये सारा एरिया, लेकिन इस बार दशहरा का दिन आज रामलीला ग्राउंड पे और भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कोशिश होगी। अभी ये देखिए यहाँ पे रथ वगैरह खड़ा है, सामने पुलिस प्रशासन भी है। अब बाइक अंदर जाएगी नहीं भाई, कोशिश होगी कि हम बाइक साइड में पार्क करके अंदर कहीं चलें। यार अंदर जाने के लिए हमें जाना है और बाइक पार्किंग लगा के ही चलेंगे। अब मैं बाइक पार्क कर दूंगा साइड में, उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि अंदर हमें नहीं लग रहा कि बाइक की एंट्री हो पाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड हो गया, इतना ज़्यादा रश हो गया है। और मैं कहाँ चला गया गेट हूँ उसके आगे लगे। ठीक है भैया, मस्त हो, गाड़ी अंदर जाए ना जाए, भाई थोड़ा साइड हो जाओ, अंदर बाइक जा रही नहीं जा रही है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और हम मेले में दूसरी साइड से एंट्री मार चुके हैं, क्योंकि दूसरे साइड पे तो पूरा सीन ही है, पूरा स्टेज बना हुआ है, वहाँ पे अनाउंसिंग हो रही है, पूरा एंकरिंग हो रही है, जो क्या बोलते हैं, जिस हिसाब से भीड़ है भाई साहब, मैं बाइक को किस साइड, इसी साइड खड़ी कर देता हूँ कहीं। मैं साइड में बाइक यहीं लगा देता हूँ। अभी मेला में हम भी भीड़ में आज अभी सोचे फ्रंट कैमरा से दिखाते हुए चलते हैं, वहाँ पे रावण दहन होगा, वहाँ पहुँचना होगा। चलो बड़े, चलो बड़े, चलो भाई, जगह आई नहीं आ गई। Come on.
के रामलीला मैदान में लगे मेले को कवर करने वाले हैं। तो रामलीला मेला का ये सबसे मेन ब्लॉग होगा जिसमें हम सभी हिस्से दिखाने वाले हैं, चाहे वो रावण दहन वाला स्थान हो, चाहे झूला वाला हो, चाहे मेला वाला हो, चाहे दूसरा स्थान जो कुश्ती वाला है, तो वो सब दिखाने वाले हैं आज के मोडो ब्लॉग में। और अभी हम रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे पहले से ही खिलौने की दुकानें लगी हैं। तो ये सारा खिलौने का नज़ारा तो पिछले ब्लॉग में दिखाया, बट इस ब्लॉग में मेले का भरपूर आनंद लीजिए, देखिए। और मेला में सबसे ज़्यादा अगर कुछ दिखेगा तो हमें लगता है जलेबी, चाट, समोसा, बर्गर, सैंडविच। सैंडविच तो नहीं दिखेगी भाई, नाम ही ले सकते हैं सैंडविच। तो सबसे पहले हम रामलीला के जो मेन गेट है वहाँ से निकलते हैं, सामने गोवर्धन द्वार श्री रामलीला समेत निहालगढ़ जगदीशपुर की तरफ से। तो आज के ब्लॉग में फिर हम चलते हैं रामलीला में लगे मेला को दिखाने, है ना, सही है भैया। सबसे पहले बड़े बड़े बूढ़ बुजुर्ग भैया जंप कर रहे हैं इधर। और छोटू का हाल है, ठीक हो? हाँ मेला सही है यार, घूमो। मेला में हम पहले राउंड मार लेते हैं जिधर से झूला वगैरह लगा है। और अभी याद किया जाए तो जो पिछली साल हम ब्लॉग किए थे उस ब्लॉग में पानी भरा था और हम लोग का पैर पता लगा भीगते हुए, जूता भिगोते हुए ब्लॉग किए थे। अभी झूला तो पूरा लगा ही नहीं, ट्रे कौन सा आया, तो पेंडुलम वाला बड़ा वाला झूला इस बार नहीं लगा है। इस बार मौसम अच्छा है तो बड़ा झूला नहीं, और पिछली साल मौसम भी अच्छा नहीं था तो पता लगा बड़ा झूला था। तो काहे का भैया, काहे पीछे रहेगी भैया झूला वाले। बड़ी भीड़ है भैया, अभी तो इसे आधा ट्रेलर ही लग रहा है, अभी भीड़ और होगी। धीरे धीरे चलते हुए घुमा देते हैं आप लोग को मेला, और झूला वाला भी दिखा देते हैं। अभी आज का ब्लॉग ऐसा ब्लॉग होगा कि इसको बूढ़ बुजुर्ग बच्चे सब देखेंगे। बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए आप ये वीडियो दिखाना है कि जगदीशपुर का रामलीला का जो मेला लगा था वो कैसा था, वो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे जंपिंग वाला झूला जो है, जंपिंग वाला जो गेम है वो खेलते हैं सामने, है ना। और यहाँ पे स्लाइडिंग वाला बना भी है किड्स वाला बच्चों का। तो अभी हम दूसरी साइड चलते हैं। देख भाई, इतनी मिट्टी पड़ी भाई साहब, पता लग रहा बाइक भी अंदर धंस जा रही है और झूला भी चल रहा मस्त का। तो झांसी वाले मशहूर गोलगप्पे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे यार, तो चश्मा लगाए हीरो भी दिख रहे हैं। तो अभी अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, रावण दहन वाले स्थान को भी दिखा देते हैं जहाँ पे आज रावण का दहन होगा, जहाँ पे आज सत्य की जीत और असत्य की हार का एक इतिहास दिखाया जाएगा। और चाउमीन ख़त्म और ले लियो, है ना। और कन्हैया चाट भंडार का स्टॉल लगा भैया, और इधर से बाइक नहीं निकलेगी क्या? तो इस साइड चलते हैं, यहाँ पे राम जी मौर्य जी की मशहूर कुल्फी है और रावण का पुतला खड़ा कर दिया गया भैया, तो आप लोग देख सकेंगे कुछ इस तरह से दिख रहा है थोड़ा बहुत। और सेठ का हाल है, हटो नहीं, तुम भी ब्लॉग में आ रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो ऑनलाइन हैं। तो ये भैया रावण का पुतला खड़ा हो चुका है,
करीब 5-5:30 बजे तक इसका दहन होगा और राम जी की जो सेना है वो तैयार हो रही है, दिखाए हैं आप लोगों को। तो अभी मेले का एक बार फिर से राउंड ले लेते हैं, दिखा देते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े कैमरामैन भी हैं सामने। और भैया कैमरामैन क्या हाल है, ठीक हो? फोन से ना चला दे रहा हूँ, कभी राम जी आ रहे हैं। तो भैया यहाँ पे भी देखो चार्जेबल, क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा साइड हो तो। तो यहाँ पैसा वैसा देख के हमें लगता है फ़ोटो होता है भाई, वीडियो बनता है? कितना रुपए लेते हैं? 360 डिग्री पे कैमरा रिकॉर्डिंग होता है ना। तो भैया यहाँ पैसा देखिए, आप लोग अपना वीडियो बनवा सकते हो अगर पैसा आपके पास है तो। क्योंकि मोबाइल में आप नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, लेकिन 360 डिग्री पे राउंडिंग होते हुए आप अपना एक क्लिप बनवा सकते हैं। तो एक बार अभी दूसरी गली तो भूल गए भाई, ये वाली गली चल लेते हैं फिर से। यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा से लेबलिंग का काम कम है। पिछले जो इसके पहले हमने ब्लॉग किया वो लाइव स्ट्रीमिंग था, इस बार नॉर्मल ब्लॉग है। बहुत लोग देख रहे हैं, दोबारा से कहेंगे कि भैया ने तो दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फिर से आ गए, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कैसे बना रहे चाउमीन वगैरह? बस बस सही यार, तुम तो चला पूरे दुनिया में सबसे सस्ता जगदीशपुर में चाउमीन बना दिया है। कहाँ से हो? जाफरगंज से हैं, जलवा दिखा रहे हो हैं। तो जाफरगंज के चाउमीन वाले भैया भी आ गए हैं जलवा दिखाने अपना। और बर्गर की तो हमने दुकान दिखाई दी थी भाई साहब, और चाउमीन की पूरी ढेरे लगी है जगह जगह पे यहाँ पे। चश्मा लेना हो तो भैया आ जाओ। अभी कोई एक दो लोग तो परिचित मिले भाई साहब, अभी ज़्यादा लोग तो दिखे नहीं, बट फिलहाल चलते हैं दूसरी साइड। निकलो भैया निकलो। अभी ये रामलीला का जो मेन हिस्सा था वो साइड घुमाया, अभी दूसरी साइड ले चलेंगे जहाँ पे कुश्ती वगैरह होती है। बट कुश्ती आज तो नहीं होगी क्योंकि आज रावण दहन है, तो कल से शायद कुश्ती का जो प्रोग्राम है वो हो। हर माल 5 रुपया, बिका हुआ माल न वापस होगा न बदला जाएगा, चाहे आधी रात हो चाहे आधा दिन हो। तो आज अभी हम रामलीला मेला दिखाने के बाद चल रहे हैं दूसरे साइड। यहाँ पे बांसुरी वगैरह भी दिख रही है, हर माल 50 रुपया। और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट साइड भी चल के कवर किया जाए आज के ब्लॉग में। अभी यहाँ पे जलेबी की भैया बौछार लगी है। कैसे दे रहे हो भैया, कैसे दे रहे हो जलेबी? 50 के आधा किलो। तो आज मेला है, कुछ डिस्काउंट ना मिले? सही है भाई, नहीं सही है यार, सही है सही है सही है, बड़ी अच्छी बात है। हम वापसी में लेबे, ब्लॉगिंग कर रहे हैं मेला के, तो बाद में लेबे है ना। जमाया हो सब लोग पूरा आज मेला एकदम से है ना। तो फिर से चलते हैं भाई दोबारा से इसी गली पे, जिस गली का हमने लाइव स्ट्रीम किया था सेम उसी गली का अभी नॉर्मल ब्लॉग भी दिखाएंगे। अभी कुछ लोग तो बोलेंगे भाई सेकंड टाइम फिर से आ गए। आइए भाई साहब, आइए हमारी गाड़ी के पास। लोगों की नज़रें हमारे फ़ोन पे टिकी हैं और हमारी नज़रें मेले पे टिकी हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी आज का जो ये ताबड़तोड़ मेला देखेंगे। थोड़ा समय लगा के देखना क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा से लंबा होगा, करीब हो सकता है 10-15 मिनट भी हो जाए, 20 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि इसकी एडिटिंग में टाइम लगेगा। और नॉर्मल होता तो मैं डायरेक्टली अपलोड कर देता, लेकिन इसके बहुत सारे हमें कुछ फ़नी क्लिप भी डालना है। तो भीड़ वाले मेले में भी फंस गया। निकलो चाची निकलो आप, है ना। तो पूरा भाई साहब भीड़ है, चारों तरफ दुकानें पूरा कवर्ड हैं, है ना। तो अच्छा आप लोग गेस कीजिए आज जगदीशपुर मेले में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, मतलब ख़रीदारी से लेके जो नॉर्मल दुकानें सेल करने वाले उन सब के। आप लोग कमेंट करना, एक आइडिया लगाना, गेस करना थोड़ा सा।
हेलो, हाँ नीरज भाई आ रहे हैं, तैयार हो गए ना, रथ पे चढ़ लिए सब लोग, आ गए आ गए। तो भैया अभी कॉल आ रहा हमें, जहाँ से राम जी की सेना निकलेगी रावण का दहन करने के लिए, तो फिलहाल अभी कवर करके ही चलते हैं क्योंकि टाइम लगेगा वहाँ पे भी। अब इसके पहले हमने नॉर्मली रिकॉर्ड कर लिया था वहाँ पे जहाँ पे राम जी की सेना तैयार हो रही है, और दोबारा से सेम उसी गली से अभी इसकी जो बीच वाली गली है उस गली को भी एक्सप्लोर करेंगे। कैसे दे रहे भैया जलेबी? 10 रुपया पौआ? अच्छा 25 रुपया पौआ, ठीक है भाई ठीक है। गुड़ वाली? चलो बढ़िया है, चलो वापिस आए, खाने में भीड़ जाते हैं, है ना, भीड़ नहीं ना बच्ची? हाँ भीड़ है, आया का भीड़ ही कहा थी मेला माँ, कहा ले पहचाने हो? जाफर गंज सब्जी लगा हुआ था ना, जान गिन यार तुम्हें तो। हाँ अभी मेला में घूमने में मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन पिछले साल जो पानी भरा था उस साल तो कम ही मज़ा आया था, क्योंकि बारिश में हमने ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा था, हमारा जूता भी भीग गया था, लेकिन पिछले साल हमने ब्लॉग करके दिखाया था, तो इस साल तो अभी नॉर्मल है, तो इस बार भी तो दिखाना बनता है। आओ अच्छी आगे बढ़ो, निकली इधर से, आओ इधर से भाई, आगे इधर बढ़ो बढ़ो बढ़ो। मौर्या पानीपूरी मिल्क मेड आइसक्रीम मेला में तो आज भैया गोलगप्पा चाट चाउमीन यही सब ज़्यादा चलेगा। और भाई ठीक हो? क्या क्या खाए है ना? तो आप लोग अगर मेले से जलेबी ले गए हो तो स्पेशली ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि जलेबी हमारा फेवरेट है मेले का। खाए जलेबी नहीं खाए? फुल खाए हैं, और क्या हुआ है? तो जलेबी वाले मेले में घूम चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा प्लास्टिक वाले सामान साइड दिखा दें, सर्च करो। नीरज भाई आ रहे हैं भाई, निकले मेला में फंस गए थे ना यार, आ रहे हैं, आ गए भाई आ गए। एक लोग से नॉर्मल रिकॉर्डिंग करा लो, हम पहुंच जा रहे हैं। अशोक मौर्य यहाँ पर लिखा देख लो, करा उसे नॉर्मल लिख, सब्सक्राइब कर लो, आ जाएगा यही, अभी लाइव डाले होंगे आ जाएगा। धन्यवाद भाई, कभी लाइव भाई साहब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए यूट्यूब पे, और अच्छा लगा भाई ने थोड़ी देर पहले जब लाइव डाल रहे थे तब उन्होंने पूछा था, लेकिन दोबारा फिर से आ गए तो फिर उन्होंने कंफर्म कर लिया भाई, हमने सर्च करा दिया। तो आप लोग टेंशन ना लो, हमारा चैनल इजली मिल जाएगा, ASHOKMAURYAXPLORYAR, जब डालेंगे अपने आप ही आ जाएगा सर्चिंग में। बहुत सारी गलियां यार, अभी कॉल भी आ रहा, जाना भी है, भीड़ में आवाज़ भी कम आएगी, तो थोड़ा सा मैनेज करना बनता है। और भैया ठीक हो? भैया मेला में पहुँचो, लाई चना नमकीन मूँगफली खाओ, मूँगफली बड़ी देर बाद दिखा भैया। और मूँगफली वाले भैया क्या हाल है, क्या हाल चाल है, कैसे दे रहे मूँगफली? हैं 20 रुपये पाव। तो अभी हम दूसरे साइड का भी मेला घुमा चुके हैं, और अभी जैसा कि हमारे पास कॉल आ चुका है और हमें पहुंचना भी है, तो पहुंचते हैं वहां से कवर करते हैं जहां राम जी की सेना निकलने वाली है ना। यहां पे स्टेज तैयार है, सभी समाज सेवक लोग मौजूद हैं, बट राम जी की सेना के आगमन का ही इंतज़ार है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारा कवर करके दिखाएंगे रावण दहन तक का भी, और पुलिस प्रशासन भी पूरा सुरक्षा में व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, हमारा सौभाग्य भाई, अच्छा लगता है आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, और आप लोग को हम जोड़ रखने के लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अलग ऐसे ब्लॉग वीडियो लेके आए। सो इस बार भी रामलीला का जो पूरा रावण दहन होगा और रामलीला मेला है वो सब कवर कराएंगे। अभी लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है भैया मेले में,
और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग को दिखाऊँगा सारा ब्लॉग आज का, बट अभी तो थोड़ा सा कम ही भीड़ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे राम जी की सेना आएगी वैसे भीड़ बढ़ जाएगी। तो बाइक को कैसे मेंटेन करना मैनेज करना होगा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम रामलीला कमेटी की तरफ से परमिशन के साथ साथ हम ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि राम जी की सेना बस